हाय दोस्तों, मैं हूं राम फास्गे और आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जहां तक कि आप जानते हैं कि मैं रोज अपने लिए आपके लिए नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और इसी माध्यम से आपको आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो स्टूडेंट्स है या जो कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू द फार्मा इंडस्ट्री और जो फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए है, और खास करके जो बंदे कंप्रेशन में काम करते हैं उनके लिए वीडियो है। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे हमको मतलब कि टूलिंग रूम जो पंच इंस्पेक्शन किट के बारे में कोई वीडियो बनाओ। तो उसी रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने आज का वीडियो लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा जो आपको इंटरव्यू फेस करने में, डेली कंपनी यूज में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कैंडिडेट्स, जो नए पर्सन हमारे चैनल पे आए हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आपको बने रहना होगा एंड तक, ताकि बीच में जो भी अगर स्किप होने के चांसेस है वो पूरी चीज़ें आप पूरी तरह से समझ पाए। तो बिना वेस्ट किए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंस्पेक्शन किट। तो दोस्तों, इंस्पेक्शन किट में स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने पास क्या-क्या इसकी लिस्ट है, जो इंडेक्स है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ। वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बेंच कंपैरेटर स्टैंड है, जो उसका मेजरमेंट है 0 to 150 mm, प्लेन टाइप में वी ब्लॉक है, नॉन मैग्नेटिक विथ सी क्लैम, साइज है 63 x 63 x 80 mm। थर्ड है डिजिटल माइक्रोमीटर 0 to 25 mm, और लिस्ट काउंट LC मीन्स लिस्ट काउंट है, वो लिस्ट काउंट 0.001 है। नेक्स्ट आता है डिजिटल माइक्रोमीटर 25 to 50 mm, उसका लिस्ट काउंट है 0.001। डिजिटल डायल गेज है फिफ्थ इंडेक्स, जो उसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। ठीक है, रेडियस गेज है नेक्स्ट 1 to 7 mm की रेडियस गेज रहेगी। रेडियस गेज नेक्स्ट है जो 7.5 to 15 mm उसकी डायमेंशन है। डाई पंच चेकिंग जिग है, जो डी टाइप डी टूलिंग के लिए है। डाई पंच चेकिंग जिग है जो बी टूलिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है अपना स्टैंडर्ड हाइट गेज, जो जो स्टैंडर्ड हाइट गेज मतलब कि पंच की स्टैंडर्ड हाइट है जो 133.6 mm की है। हिट गो स्लैश नो गो गेज, जो हम लोग बोलते हैं कि गो नो गो गेज, डी टाइप में है यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरा हिट गो नो गो है जो बी टाइप के लिए है, सेम यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से। मैग्नीफाइंग आई ग्लास है, ये मैग्नीफाइंग आई ग्लास और उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम आगे वीडियो में देखते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये इंडेक्स शेयर कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटल डाई गेज है डी टाइप, रेंज है उसकी 38.10 to 38.14 mm। दूसरी है इंक्रीमेंटल डाई गेज बी टाइप मतलब बी टूलिंग के लिए है, जो 30.16 to 30.20 mm की है।
नेक्स्ट आती है इंक्रीमेंटल डाई गेज, बीबी टाइप, बीबी टूलिंग के लिए है। रेंज है 24 mm टू 24.04 mm। मल्टीपर्पज ग्रीस है, वन पैक दिया है 100 ग्राम का। डेमो सीडी दी है जो कि हमको इस प्रकार से उसका अगर चेक करना है तो। मैनुअल बुक आया है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स, स्टेनलेस स्टील बॉक्स जो इसमें कि ये पूरी किट स्टेनलेस स्टील बॉक्स में आई है, और स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्टोर द अबोव इंस्ट्रूमेंट्स। ये स्टेनलेस स्टील बॉक्स जो आया है तो ये पूरा इंस्पेक्शन जो किट के जो हमने इंडेक्स के आइटम देखे हैं ये पूरा उसमें रखने के लिए ये स्टेनलेस स्टील बॉक्स प्रोवाइड हुआ है। तो अभी हमने जो एक 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 करके यहाँ देखा है वो इनका डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। तो पार्ट स्पेसिफिकेशन जो था फर्स्ट की डिजिटल डायल गेज है, इट इज यूज इन डिजिटल डायल गेज की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, डिजिटल डायल गेज बोलते हैं इसको। और इसका यूज है इट इज यूज इन कंजक्शन विद द बेंच कंपैरेटर एंड हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। द पॉइंटर एंड व्हील इज यूज फॉर द चेकिंग डाई कॉन्सेंट्रिसिटी एंड कप डेप, वेयर एज द बॉल एंड व्हील इज यूज फॉर चेकिंग पंच कॉन्सेंट्रिसिटी एंड ओवर ऑल लेंथ। तो इसका यूज बताया है कि जैसे इट हैज लिस्ट काउंट दिया है 0.01 mm का, पॉइंटर एंड व्हील, जो ये पॉइंटर एंड व्हील है आगे जो मतलब नीडल टाइप दिख रहा है उसको पॉइंटर एंड व्हील कहेंगे, इज यूज फॉर चेकिंग द डाई कॉन्सेंट्रिसिटी एंड कप डेप्थ जो पंच की कप डेप्थ होती है वो चेक करने के लिए इसका यूज होता है। वेयर एज द बॉल एंड व्हील, अभी ये कौन सी है, पॉइंटर एनविल है। अगर बॉल यही पॉइंटर एनविल ये यहाँ से डिसमेंटल करके अगर बॉल एनविल यूज करेंगे हम लोग, बॉल टाइप एनविल होती है वो अगर यूज करेंगे तो उसका यूज होता है किसके लिए, टू चेकिंग द पंच कॉन्सेंट्रिसिटी एंड ओवरऑल लेंथ ऑफ द पंच। तो दोस्तों ये हुआ यूज डिजिटल डायल गेज का। ये डिजिटल डायल गेज आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं और इसका यूज ये दिया गया है। वी ब्लॉक है जो यहाँ उसकी पिक्चर है, इट इज यूज फॉर द होल्डिंग पंचेस एंड डाई फॉर चेकिंग देयर कॉन्सेंट्रिसिटी यूजिंग द डायल गेज एंड बेंच कंपैरेटर। ये होल्ड करने के लिए दिया है, क्या होल्ड करना है, यूजिंग डायल गेज एंड बेंच कंपैरेटर, होल्डिंग द पंचेस एंड डाइज होल्ड करने के लिए वी ब्लॉक का यूज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज फॉर इंस्पेक्शन पंच टिप फेसेस। पंच हमने जो वेंडर से रिसीव किया है उसका रिसीव होने के बाद कि पंच टिप फेस में कोई प्रीवियस डेब्रिस तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, स्क्रैचेस तो नहीं आए, प्लेन सरफेस है, जो हमने एम्बॉसिंग डिबॉसिंग दी है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डाई ओडी गेज, ओडी आउटर डायमीटर गेज। ये यहाँ फिल्म में या पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका यूज है दीज आर यूज फॉर चेकिंग इनर डायमीटर ऑफ द टरेट डाई पॉकेट्स एंड आर सप्लाइड विद द इंक्रीमेंटल स्टेप्स फ्रॉम 0.01 mm टू 0.05 mm स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड डाई आउटर डायमीटर। स्टैंडर्ड सप्लाई फॉर डी बी एंड बी बी टाइप एंड पुली। तो ये डाई आउटर डायमीटर गेज, तो इसका यूज ये है इनर
टू चेकिंग इनर डायमीटर ऑफ द टरेट डाय पॉकेट्स, जहां हम लोग डाय इंस्टॉल करते हैं टरेट में, उसको डाय पॉकेट करते हैं, उसका इनर डायमीटर चेक करने के लिए मेजर करने के लिए डाय आउटर डाय गेज का यूज होता है, ठीक है। और वो है 0.01 mm टू 0.05 mm और ये डीबी एंड बीबी टूलिंग के लिए सप्लाई की गई है। नेक्स्ट आता है डिजिटल माइक्रोमीटर। ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, यहाँ डिस्प्ले है, यहाँ आप इसका यहाँ स्क्रोल मतलब उसको रोटेट करके इसकी ये डायमीटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दिया है 0 to 25 mm एंड 25 to 50 mm फॉर मेजरमेंट ऑफ द पंच टिप डायमीटर 0 to 25 mm एंड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पंच बॉडी एंड हेड डायमीटर एंड ऑल्सो फॉर डाय आउटर डायमीटर एंड हाइट 25 to 50 mm, ठीक है। तो दो इसमें जैसे दो डायमीटर में डिजिटल माइक्रोमीटर सप्लाई किया गया है 0 to 25 mm और 25 to 50 mm। और किसके लिए यूज होता है? पंच टिप डायमीटर काउंट करने के लिए, पंच बॉडी एंड हेड डायमीटर चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। यह है नेक्स्ट है रेडियस गेज। तो बीच में दोस्तों मैं एक और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे कि कंप्रेशन के रिलेटेड के वीडियोस आपको देखने के लिए जो मतलब कि कंप्रेशन मशीन का जैसे कि फिलिंग कैम है और पंच कैलिब्रेशन है, तो इनके वीडियोस देखने के लिए आई बटन जो दिया है उसको रेफर करना ना भूले। अगर आप यूज़ करेंगे तो उनके भी वीडियो मैंने आई बटन में अटैच मतलब लगा दिए हैं, तो आप वो भी वीडियो चेक करके मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये रेडियस गेज है। रेडियस गेज ये अभी छोटे छोटे है तो आप उतना, फिर भी इन्होंने अलग करके दिखाया है। रेडियस गेज का यूज क्या है? दीज आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कॉनकेव पंचेस एंड टैबलेट्स एंड आर सप्लाइड इन साइजेस 1 mm टू 7 mm एंड 7.5 mm टू 15 mm। तो रेडियस गेज का यूज है कि मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ कॉनकेव पंचेस, कॉनकेव पंचेस जो है उनका मेजरमेंट करने के लिए रेडियस गेज दो डायमीटर में दी है 1 mm टू 7 mm और दूसरी है 7.5 mm टू 15 mm की, दो डायमीटर में रेडियस गेज सप्लाई हुई है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों की डायपंच चेकिंग जिग, ये डायपंच चेकिंग जिग है। इट इज प्रिसीजन मशीन जिग फॉर चेकिंग ऑफ एनी शेप टूलिंग फॉर देयर कॉन्सेंट्रिसिटी सप्लाइड फॉर डी एंड बी टाइप ऑफ टूलिंग। तो इसमें हमको पंच रखना है, इसके लिए इसको जिग कहा है और ये इसका यूज होता है कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए। तो स्टैंडर्ड हाइट गेज, इट इज स्टैंडर्ड हाइट गेज, ये जो मतलब पंच का स्टैंडर्ड जो हाइट है पंच की स्टैंडर्ड हाइट, उसके लिए स्टैंडर्ड हाइट गेज है। इट इज अ प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट यूज फॉर द सेटिंग स्टैंडर्ड ओवरऑल लेंथ ऑफ पंच ऑन द बेंच कंपैरेटर। बेंच कंपैरेटर पे ओवरऑल लेंथ ऑफ द पंच चेक करने के लिए मतलब ओवरऑल लेंथ ऑफ द पंच कितनी है 133.6 mm की, और ये मशीन से प्रिसाइज मतलब एकदम माइन्यूट मेजरमेंट लेके इसको मशीन से बनाया जाता है और इसकी भी लेंथ होती है 133.60 अपना स्टैंडर्ड ओवरऑल लेंथ पंच के हिसाब से। अगर आप ये दोनों भी स्टैंड करके देखोगे तो
पंच की हाइट और ये स्टैंडर्ड हाइट गेज इसकी भी हाइट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं बेंच कंपैरेटर विद स्टैंडर्ड विद स्टैंड। ये बेंच कंपैरेटर है, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल पंच हाइट कप डेप्थ कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द पंचेस एंड डायगो। ये बेंच कंपैरेटर का यूज है ओवरऑल पंच हाइट काउंट करने के लिए, कब डेप कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए एंड डाई बोर चेक करने के लिए बेंच कंपैरेटर का यूज होता है। हेड गो नो गो गेज, यहाँ देखो एच टाइप में जो आपको दिख रहा है पिक्चर ये है हेड गो नो गो गेज, मतलब हेड पंच का लेना है और इससे पास करके देखना है, अगर गया तो गो है और नहीं गया तो, मतलब ये है एक साइड में गो रहता है और एक साइड में नो गो रहता है। गो से हेड हर पंच का जाना चाहिए, उससे पास होना चाहिए और नो गेज से पास नहीं होना चाहिए। अगर ये कंप्लाइज हुआ तो आपका पंच का हेड विद इन लिमिट एक्सेप्टेंस लिमिट है। अवेलेबल फॉर बी एंड डी टाइप ऑफ टूलिंग एंड आर यूज फॉर चेकिंग पंच हेड डायमेंशन सच एज थिकनेस इनसाइड हेड एंगल। ठीक है, इसका यूज अपना पंच का हेड का थिकनेस इनसाइड एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्क इंस्ट्रक्शन हाइट चेकिंग, अगर पंच की हाइट चेक करनी है आपको तो उसका वो कैसे चेक की जाती है उसका वर्क इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। तो फॉर चेकिंग हाइट ऑफ पंच यूजिंग डायल गेज एंड कंपैरेटर स्टैंड फिक्स डायल गेज ऑन द, जैसे कि यहाँ ये कंपैरेटर है ये डायल गेज यहाँ फिक्स किया हुआ है दोनों पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, फिक्स डायल गेज ऑन द बेंच कंपैरेटर स्टैंड, फिक्स पॉइंटर एंड व्हील ऑन द डायल गेज, क्लीन द फेसेस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइट गेज विद द क्लीन क्लॉथ, कीप द हाइट गेज ऑन द कंपैरेटर स्टैंड बिलो द एनविल ऑफ डायल गेज, सेट द डायल गेज टू 0.00 बाय प्रेसिंग ओरिजिन बटन, जहां यहां ओरिजिन बटन है उसको प्रेस करके हमको 0.00 सेट करना है, रिमूव द हाइट गेज एंड प्लेस पंच विथ टिप डाउन इन अ जिग पंच होल्डर, जिग मतलब मैंने बताया था कि पंच होल्डर है जिसमें हमको पंच, जैसे रिमूव द हाइट गेज, हाइट गेज हमको जो स्टैंडर्ड हाइट गेज है वो हमने पहले प्रेस किया था गेज, सेट द डायल गेज टू 0.0 बाय प्रेसिंग द ओरिजिन बटन हुआ, रिमूव द हाइट गेज एंड प्लेस पंच विद द टिप डाउन, टिप डाउन करके रखना है। ठीक है, नोट द रीडिंग्स दैट द दैट इज हाइट ऑफ द पंच लिमिट नॉट मोर देन प्लस माइनस 0.05 mm विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइट गेज। ठीक है, तो ये अगर वेरी भी होती है तो प्लस माइनस 0.05 mm वेरी होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द पंच इज नॉट विद इन द लिमिट ऑफ द ये स्टैंडर्ड एज विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड गेज, मतलब स्टैंडर्ड गेज के रिस्पेक्ट में मतलब 133.60 प्लस माइनस 0.05 mm होनी चाहिए, अगर इतनी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल लेंथ कम हो गई। अगर ओवरऑल लेंथ कम हुई तो क्या प्रॉब्लम्स है और जैसे कि टूलिंग के प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है इसके ऊपर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो यहाँ हम लोग खाली इंस्पेक्शन की बात करेंगे, तो ये टूलिंग के प्रॉब्लम्स तो मैं इसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वो तो आप वो रेफर कर सकते। नेक्स्ट है कप डेप चेकिंग,
ठीक है, पंच की कप डेप्थ, जैसे कि ये स्टैंडर्ड गेज है, फॉर चेकिंग कप डेप्थ ऑफ पंचेस यूजिंग द डायल गेज एंड कंपैरेटर स्टैंड। ये कंपैरेटर स्टैंड पे डायल गेज लगाया हुआ है और उनको अभी चेक करना है। कीप द सेटिंग सेम, जैसे हमने पिछली सेटिंग की थी वैसी सेटिंग यहाँ सेम रखनी है। रिवर्स द पंच एंड, जैसे कि हमने बस उसमें क्या किया था कि पंच की टिप डाउन की थी, और इसमें क्या करना है, पंच की टिप अप करनी है। मूव द एनविल इन द टिप कैविटी, नोट द मैक्सिमम रीडिंग, जो मैक्सिमम रीडिंग आ रही है मतलब लोएस्ट पॉइंट पे वो रीडिंग हमको देनी है, दैट इज द कप डेप्थ ऑफ द पंच। और जो रीडिंग आ रही है वो हो गई आपकी, आपकी क्या हो गई, वो कप डेप्थ ऑफ द पंच। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं इसको क्लोज करता हूँ। इसका अगला कंटिन्यू सेशन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी समझ आया होगा, यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।